हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। मीना बेक इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस केक, हनी केक। तो हम आज हनी केक बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अभी चलिए देखते हैं ये हनी केक कैसे बनता है। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल में मैं 1/4 कप घी और उसमें थोड़ा मैंने बटर डाला है। दोनों मिला के ये मेरा 1/4 कप हो गया है। अगर आपके पास 1/4 कप बटर घर में होगा तो आप उस बटर को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर कम था इसलिए मैंने घी और बटर मिक्स किया है। तो अभी ये दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखो, अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ इसे। अभी मिक्स करने के बाद तो यहाँ मैंने ली है पाउडर शुगर 1/2 कप। तो ये घर की पिसी हुई शुगर है मेरी। मैं हमेशा केक बनाती हूँ तो घर की पिसी हुई शुगर ही यहाँ यूज़ करती हूँ। तो ये बटर और ये शुगर हम ऐसे मिक्स करेंगे और हमारा ये बैटर बहुत ऐसा फ्लफी होगा और ऐसा स्मूथ बैटर हमें यहाँ चाहिए। तो देखो कितना क्रीमी टेक्सचर दिखता है इसका। तो अभी हमारा ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो अभी इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क लेंगे। तो देखो, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क लिया है। तो फ्रेंड, ये मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। ये फ्रिज में रखा हुआ मिल्क हमें यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ लेंगे हम 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर। तो फ्रेंड, यहाँ हमें 1 कप मैदा लेना है और उसमें मैं डालूंगी अभी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा नमक। तो यहाँ मैंने थोड़ा नमक लिया है और ये सब हम छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हो तो उनको हमें छान कर ही लेना चाहिए। तो देखो, अभी मैंने ये सब छान लिया है। तो हमें ऐसे सबको ये मिक्स करना है। तो यहाँ मुझे ये बैटर बहुत गाढ़ा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरा 200 ml मिल्क मुझे यहाँ लग गया है इस बैटर को रेडी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये बैटर कितना स्मूथ हमारा तैयार हो गया है। तो अभी हम इसे केक टिन में डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 6 इंच का केक टिन। तो इसके अंदर मैंने बटर पेपर ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो यहाँ हम ये यह हमारा बैटर यहाँ पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे। और फ्रेंड, हमें अभी ये केक गैस पर बेक करना है। तो मैं हमेशा गैस पर ही केक बेक करती हूँ। मेरे पास कोई OTG नहीं है और ओवन भी नहीं है, तो मैं गैस पर ही बेक करती हूँ हमेशा केक। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बैटर मैंने चारों तरफ से ऐसे स्प्रेड कर लिया है। तो इसे मैं अभी 30 से 35 मिनट के लिए गैस पर बेक करूँगी। फिर 35 मिनट के बाद हम देखेंगे ये केक हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल के ऊपर आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो गई है। तो अभी इसमें मैंने एक स्टैंड रखी है और स्टैंड के ऊपर हमें ये केक टिन रखना है। बहुत सावधानी से गैस पर हमें काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ मैंने ये केक को चारों तरफ से ढक लिया है। तो फिर मिलते हैं हम 35 मिनट के बाद। तो अभी हमारा केक बेक हो रहा है तो हम हनी सिरप बना लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप वाटर और उसमें मैं 1/4 कप हनी डाल रही हूँ। तो आप यहाँ कौन से भी कंपनी का हनी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4 हनी मैंने यहाँ लिया है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून शुगर भी इसमें ऐड की है। तो अभी ये सिरप हमें इसे गाढ़ा तैयार करना है। ज़्यादा पतला सिरप हमें यहाँ नहीं लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा सिरप बहुत गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मिक्स फ्रूट जाम लिया है। तो उसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर भी ऐड की है। तो अभी इसे हमें इसे पतला करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा केक भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है और हमें ऐसे ही बीच में इसे होल लगाना है। तो ये होल हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने जो हनी सिरप बनाया है वो हनी सिरप हम इसके अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ये कैसे इसे होल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हनी सिरप मैंने ऐसे ब्रश से इसके अंदर ऐसा सोक कर लिया है हनी सिरप से ये केक। तो इससे इसकी मिठास बहुत अच्छी आती है केक की। तो
यहाँ मैंने ये केक चारों तरफ से हनी सिरप से सोक कर लिया है। तो अभी इस केक के ऊपर हमने जो मिक्स फ्रूट जाम तैयार किया था वो जाम इसके ऊपर हम लगाएंगे, तो इससे हमारी केक की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। तो देखो अभी चारों तरफ से मैं ये जाम यहाँ लगा रही हूँ। तो अभी ये जाम लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये कोकोनट इस केक के ऊपर लगता ही है, इसके बिना ये केक तैयार नहीं हो सकता। और इसकी टेस्ट तो पूछो मत, इतनी बढ़िया लगती है। आप एक एक घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मीना बेक इस चैनल पर शेयर कीजिए। तो अभी यहाँ मैंने ये केक कट कर लिया है, तो देखो अभी कितना डिलीशियस और स्पॉन्जी हमारा ये केक दिखता है, और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स ये केक। तो अभी यह आपको मैं दिखाती हूँ कि ये केक कितना अच्छा बना है हमारा। तो देखो इतना फ्लफी है ये केक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।